नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। एक तरफ चीन भारत पर धौंस जमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के कैदियों के साथ बदसलूकी कर रहा है और प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे ये सब देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधी बात कार्यक्रम पर मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती। उमा दी, आपका स्वागत है सीधी बात में। राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत को अपना राजदूत इस्लामाबाद से वापस बुला लेना चाहिए। सरकार ने कहा कि इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा, दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए। लेकिन बातचीत का सिलसिला कैसा होना चाहिए? जैसा अभी तक चला है क्या वैसा होना चाहिए कि पाकिस्तान जो चाहे करता गया है और भारत की सरकार अपनी एक भी बात नहीं मनवा सकी है? चाहे हेमराज का कटा हुआ सिर वापस लाने की बात हो या सर्वजीत को इलाज के लिए यहाँ ले आने की बात हो, इसलिए हमें कोई ना कोई चीज़ तो ये साबित करनी पड़ेगी कि भारत ने एक सख्त रुख अपनाया है। इसलिए राजनाथ जी सिंह ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। चीन को लेकर भी सरकार कह रही है कि बीजेपी के नेता जनता को भड़का रहे हैं। जिस तरीके से चीन ने घुसपैठ किया, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और बीजेपी के नेता लोगों को ये गलतफहमी डाल रहे हैं कि चीन ने हमला कर दिया, चीन ने एकदम भारत की सरजमीं पर कब्जा कर लिया, जबकि ऐसा है नहीं। नेहरू जी ने भी ऐसा ही धोखा खाया था। उस समय जनसंघ के समय पर इसी प्रकार की बात उठी थी और हमने आगाह भी किया था नेहरू जी को, और नेहरू जी को लगता था कि नहीं नहीं चीन ऐसा नहीं करेगा, और अंत में जो स्थितियां बनी थी वो पूरी दुनिया को पता है। हमारा ये कहना नहीं कि हमारा चीन के साथ में युद्ध होना चाहिए, लेकिन कहीं से पाकिस्तान हमें तंग कर रहा है, कहीं से चीन हमें तंग कर रहा है, इसके कारण हमारी सेनाओं का भी मनोबल गिरा है, हमारे देश के लोगों का भी मनोबल गिरा है और हमारी छवि दुनिया के सामने खराब हुई है। इसलिए हमें कोई ना कोई माकूल जवाब तो देना ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो भाजपा ने कह दी है कि हम सशक्त विपक्ष के नाते हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आप कोई भी कदम उठाइए हम आपका साथ देंगे। आपके हिसाब से जवाब क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्थितियां बनी है, सरकार को सख्ती के साथ बात करनी चाहिए, सेना को भी सख्ती के साथ बात करनी चाहिए। आपस में जो बातचीत हुई है, जो दोनों पक्ष की सेनाओं की बातचीत हुई है, उस बातचीत में हमारे सैनिकों का रवैया, हमारे सैनिक अधिकारियों का रवैया भी सख्त होना चाहिए। बाकी तो बैठ करके तय किया जा सकता है कि क्या करना चाहिए। जहां एक तरफ सरकार तो चारों तरफ से हमले झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करते हैं दीदी, तो लगता है कि बीजेपी के नेताओं को अभी से लगने लग गया है कि दिल्ली का तख्त बस एक कदम की दूरी पर और सब आपस में लड़े हुए हैं कि कुर्सी पर मैं बैठूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है दीदी? मुझे क्या लग रहा है कि ये सब कई लोगों का क्रिएशन है और शायद कांग्रेस का भी इस मामले में कुछ चला है, उन्होंने भी जिस प्रकार की बातें फैलाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसा मुझे नहीं मालूम। अब आपने किसी तरीके से उनकी साइकोलॉजिकल स्टडी कराई हो तो मैं तो सिर्फ जो सार्वजनिक बयान है उनसे जा रहा हूँ। वरुण का ही हाल का बयान लीजिए, वो कहता है कि राजनाथ जी में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है। आप शत्रुघ्न सिन्हा साहब का बयान उठाइए, यशवंत सिन्हा का, इसमें मतलब क्रिएशन कुछ नहीं, ये तो वो बयान है जो बीजेपी के नेता खुद। ना मुझे कुछ और लग रहा है, आप हर बयान का मतलब वो निकाल रहे हैं। जैसे वरुण ने कहा तो उनको दिखती होगी राजनाथ जी में अटल जी की छवि, तो वरुण का शायद ये मतलब नहीं रहा होगा कि वो उनको प्रधान, उन्होंने ये कब कहा? जैसे मुझे याद है मैंने एक दिन कह दिया कि मोदी इसलिए अभी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि मोदी की एक सख्त प्रशासक की छवि है और भारत बहुत लचर प्रशासकों को देख रहा है यूपीए की सरकार में, तो भारत की जो जनता है वो त्रस्त हो गई है, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो इसमें मैंने एक बार ये नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बयान यही आ गया। नहीं, क्योंकि बयान ऐसे भी हैं, अगर आप उठाएं विजय गोयल का बयान है, यशवंत सिन्हा जी का बयान है, शत्रुघ्न सिन्हा जी का बयान है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि आडवाणी जी उनको लगता है कि मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। अब देखिए किसने क्या बयान दिए, मैं तो अंत में यही कहूंगी कि जो लोग बयान देते हैं वो भावुकतावश बोल देते हैं, आप लोगों के उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि आप लोग घुमा फिरा करके बोलिए और नहीं तो कुछ ना कुछ बताइए फला नेता के बारे में आपकी क्या राय है, और राय देते देते कुछ मुंह से थोड़ा सा निकल गया बाकी आप लोग जोड़ देते। अच्छा ये बताइए, आप तो खूब घूम रही हैं, मध्य प्रदेश में गई, आप यूपी में गई, कर्नाटक में अभी हाल में होके आई, आपको लग रहा है कि इस वक्त, क्योंकि हमने अशोक सिंघल जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि नेहरू के बाद अगर इतनी लोकप्रियता किसी एक नेता की बनी है तो वो मोदी जी की है, क्या आपको लगता है कि अतिशोक्ति है या वाकई में आप जहां जा रही हैं लोगों से बातचीत कर रही हैं तो आपको ऐसा ही कुछ सपोर्ट नजर आ रहा है? जब मैं मोदी पे बोलूं तो फिर आपके यहां से ये नहीं आना चाहिए कि उमा भारती ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा। अभी मैं जो एनालिसिस कर रही हूं मोदी का वो इसके लिए नहीं कर रही हूं कि वो प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, क्योंकि वो विषय यहां के फोरम पर डिस्कशन करने का नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर मानती हूं कि आज की जो स्थितियां बन गई हैं उसमें ये जो बात उठने लगी है कि मोदी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, और मोदी लोकप्रिय हो भी गए हम देखते हैं पब्लिक का रिस्पॉन्स उनके लिए, उसका कारण देश की वर्तमान की स्थितियां हैं। क्योंकि हैट्रिक से नहीं होता है कोई, हैट्रिक तो नवीन पटनायक की भी हो गई है, आपको तो याद दिलाना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को कि नवीन पटनायक किसी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि इतने वो लो प्रोफाइल में जाते हैं, ही इज़ ए वेरी लो प्रोफाइल पर्सन, हाँ, एंड ही डज नॉट लाइक टू हैव ए हाई प्रोफाइल ऑल्सो। तो इसलिए हैट्रिक बना लेना कोई कारण नहीं है,
और किसी एक राज्य में डेवलपमेंट कर देना भी मुझे लगता नहीं कि कोई कारण है, क्योंकि कई राज्य हैं जो डेवलपमेंट के पटरी पर बहुत तेजी के साथ में चल रहे हैं। हाँ, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का मेल कर देना, क्योंकि गुड गवर्नेंस का मतलब होता है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, और गुड गवर्नेंस का मतलब होता है लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान कर देना और लोग अपने आप को सुरक्षित माने हर दृष्टि से। ये दोनों चीज़ों का मेल बहुत वो गुजरात में है, और उस दृष्टि से मैं कह सकती हूँ गुजरात एक यूनिक स्टेट है, और महिलाओं की सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थिति भी आपको पता हो गुजरात में मानी गई है। इसमें नंबर एक राज्य गुजरात को माना गया जहाँ पर की महिलाएं सर्वाधिक सुरक्षित मानी गई हैं, क्योंकि भारतीय सोसाइटी का जो सबसे वीक सेक्शन हो गया है वो अभी महिला हो गई है। इसलिए जहाँ महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगी इसका मतलब उसका लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट है। तो इसलिए सिर्फ डेवलपमेंट से ही कोई नेता नहीं होता, वो पॉपुलर नहीं होता, उसमें गुड गवर्नेंस का मेल होता है। और गुड गवर्नेंस में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक प्रॉब्लम्स को इमीडिएट एड्रेस करने का जो सिस्टम होता है गवर्नेंस का वो होता है। उस दृष्टि से गुजरात निश्चित रूप से नंबर वन है, लेकिन जो आज की स्थितियां भारत की हैं, मुझे लगता है उस चीज ने मोदी को बहुत पॉपुलर कर दिया। और वो ये है कि लोग बहुत परेशान हैं, हेमराज की घटना हो, सर्वजीत की घटना हो, नक्सलवाद की घटना हो, माओवाद की घटना हो, भ्रष्टाचार की घटना हो। मैंने तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा लोगों ने जो हर बात में ये कह देता है मुझे कुछ नहीं मालूम। अब देखिए भ्रष्टाचार के जितने मामले आए उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं ली है, कभी एलाइज पर छोड़ दिया कि कोलिजन की पॉलिटिक्स में ऐसा होता ही है, कभी कह दिया मुझे नहीं मालूम। कभी कोई बच्चा अगर कहे कि मुझे नहीं मालूम तो उसके भोलेपन पे हम फिदा हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहे कि मुझे नहीं मालूम तो उसका भोलापन देश के लिए बहुत घातक होता है और लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करता है। वो उसी इनसिक्योरिटी में लोगों की चाह जगी है कि कोई ऐसा नेता हो जो भले ही तेजी से बोलता हो, सख्ती से बोलता हो, लेकिन हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता हो। तो उस वो कारण बनी है मोदी की पॉपुलैरिटी का। लेकिन जो आपने बात कही प्रधानमंत्री जी बनाने की और नहीं बनाने की, मैं जब ये कह रही हूँ कि देश के असुरक्षित मानस में जो भूख जगी है एक ऐसे नेता की जो उसको सुरक्षा प्रदान कर सके, तो उस दृष्टि से मोदी उसको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति लगे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसको होना हो किसको नहीं होना, उसको तीन जगह से गुजरना पड़ेगा। एक तो एनडीए के पार्टनर्स के साथ में बैठ के बात होगी और वो एक नाम देंगे अगर वो कहेंगे तो, दूसरा फिर बीजेपी के कैडर्स को भी राजी होना पड़ेगा, और तीसरा पब्लिक की अदालत में उसको टेस्ट के लिए अंत में पहुंचना पड़ेगा। इन तीनों से गुजरे बगैर तो कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता, खाली बातें हो सकती। क्योंकि वसुंधरा राजे जी हाल में मुझे इंडिया टुडे विमेन समिट में मिली, उन्होंने कहा कि जब वो यात्रा कर रही थी हाल में तो उन्होंने तमाम नेताओं का नाम लिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम लिया, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिया, फिर उन्होंने मोदी का नाम लिया। उन्होंने जैसे ही कहा कि मोदी का नाम लिया तो क्राउड एकदम बहुत एक्साइटेड हो गया, क्राउड में सब मोदी मोदी करने लगे। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है? क्या केवल और केवल गुड गवर्नेंस की वजह से हो रहा है? और ये जो अपील है क्या केवल हिंदी हार्टलैंड तक सीमित है या फिर आपको लगता है कि देशव्यापी? मुझे इसके देशव्यापी होने की कितनी था है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ जो मैंने आपको पहले कहा कि भारतीय जनमानस बहुत असुरक्षित हो गया है। यूपीए 2 का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत खराब रहा है, यूपीए 1 का भी खराब था लेकिन यूपीए 2 का और खराब रहा है। मनमोहन सिंह भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, सोनिया गांधी का जो रवैया रहता है अधिकतर चुप हो जाना, और सीबीआई का जिस प्रकार से इस्तेमाल हुआ, एलआईज को जिस प्रकार से डरा के रखा गया है, राहुल गांधी भी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते हैं। कुल मिलाकर के लोगों को लग रहा है कि बहुत कमजोर लोग हैं जो तिकड़मों से सरकार में बैठे हुए हैं, ये ताकत से, शक्ति से या जन समर्थन से नहीं बैठे हुए हैं, ये कोई ना कोई तिकड़म लगाए हैं। जैसे चौटाला को जेल भेजना, इतना डरा गया होगा मायावती और मुलायम सिंह को कि बिल्कुल दुबक के बैठ गए वो लोग। फिर जो एलआईज थे उनके, जिन पे सीबीआई की जांचें ऑलरेडी चल रही हैं, ओम प्रकाश चौटाला तो एक प्रकार से गिनी पिग बनाया गया इसके लिए, उनको मतलब बलि वेदी पे चढ़ाया गया कि उनको एक बार जेल भेज देंगे तो बाकी के लोग बहुत डरेंगे कि हम जेल भी भिजवा सकते हैं चाहे तुम कोई भी हो। ये जो भय पैदा कर दिया एलआईज का, इसके कारण यूपीए की सरकार चल रही, अन्यथा लोगों के मन में ये बहुत कमजोर, बहुत दब्बू और बहुत ही ऐसे लोगों की सरकार है जिनकी कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पहुंच नहीं है। जन समर्थन की सरकार नहीं है, ये सीबीआई की तिकड़मों की सरकार है। और ऐसे में लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें डरावे ना बल्कि हमारा डर दूर करे। जो एलआईज को ही डरा के रखेगा वो देश का डर क्या दूर करेगा? जनमानस में कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि एक शक्तिशाली नेता के आने से उनकी सुरक्षा पर काम होगा, वो ज़्यादा महफूज होंगे, लेकिन हकीकत ये भी है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा लोगों का है जो उसी नेता के नाम पर खौफ ज़्यादा रहते हैं। मुस्लिम समुदाय में अभी भी खौफ है, 2002 को लेकर जो हुआ वो अभी भी बहुत चिंतित हैं कि अगर मोदी आ गए तो उनका क्या होगा, क्योंकि अभी भी मोदी जी ने कभी भी 2002 में जो हुआ उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने कभी भी अफसोस नहीं जताया। तो लोगों को लगता है कि अगर ये शख्स दिल्ली आ गया तो उनका क्या होगा। आपने बहुत अच्छा किया जो ये बात कही है, क्योंकि मैं 2002 की घटना के बाद में अटल जी के साथ गुजरात गई थी और मुझे जो वहाँ जानकारियाँ हुई थी वो बहुत दुखद थी। मुझे दुख है क्योंकि लाशों का धर्म नहीं गिनना चाहिए, लेकिन लाशों का धर्म गिना है मीडिया ने कि कितने मुसलमान मरे, लेकिन आपको पता है वहाँ हिंदू कितने मरे हैं दंगे में, और पुलिस की गोली से 1500 हिंदू मरा है, जिसमें दंगे में करीब 500 हिंदू मरा है
और पुलिस की गोली से 1000 आधिकारिक आंकड़े कुछ अलग हैं, 237 के आसपास है हिंदू और करीब 700 के आसपास है मुसलमान, लेकिन वो अलग बात। हाँ, बहुत लोग मरे हैं पुलिस की गोली से। इसका मतलब है कि पुलिस ने दंगा रोकने की कोशिश की। ये अच्छा नहीं है हमारे देश में कि हम लाशों का धर्म गिने और उसमें हम डिवीजन कर दें कि हिंदू कितना भी मर जाए हम उसकी गिनती नहीं करेंगे, खाली मुसलमान मरेगा हम उसकी गिनती करेंगे। मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। नहीं तो हकीकत कि कई सारे मुस्लिम समुदाय में अभी भी लोग ऐसे हैं जो खौफजदा हैं मोदी के नाम पे। उनको लगता है कि 2002 में जो हुआ वो कलंक है। और कई सारे नेता ऐसे भी हैं जैसे नीतीश कुमार हुए, जो मानते हैं कि मोदी किसी भी एंगल से सेक्युलर है नहीं। अगर फर्ज कीजिए कोई वाकई में लोकप्रिय नेता है देश भर का, तो उसकी तो एक्सेप्टेबिलिटी सब समुदायों में होनी चाहिए। मैं इस बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं उस ओर तो जाऊंगी ही नहीं जिस ओर मुझे ले जाना चाहते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो आप यकीन मानिए कि हिंदुओं को सुरक्षा, मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी अगर कोई दे पाएगा तो हिंदुत्ववादी नेता ही दे पाएंगे, क्योंकि जो हिंदुत्व विरोधी नेता हैं वो मुसलमानों का पक्ष लेते रहेंगे। इससे मुसलमानों के मन के अंदर सिक्योरिटी पैदा नहीं होती, वो तब पैदा होती है जब मेरे जैसे लोगों के समय पर उनको लगता है कि हम ठीक हैं। तो इसलिए गुजरात में नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात के ही मुसलमानों ने कभी ये शिकायत नहीं की है गोधरा के उस घटना के आउटकम में जो दंगे हुए थे इसके बाद में कि हमें गुजरात में कोई प्रॉब्लम है। गुजरात से कोई मुसलमान नहीं भागा है, वो लोग बहुत सुखी हैं, संपन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया। लेकिन आप यकीन मानिए कि सेकुलर जो सो कॉल्ड सेकुलर है ना, तथा कथित छद्म सेकुलर जो है, वो मुसलमानों का खौफ दूर नहीं कर पाएंगे। मेरे जैसे लोग ही मुसलमानों का खौफ नहीं। पर आपको नहीं लगता कि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई एक कदम की जरूरत है ताकि लोगों को ये लगे कि वाकई में जो हुआ उसका अफसोस है और अब आगे बढ़कर विकास की, गवर्नमेंस की जिसकी आपने बात की कि उसी पर फोकस रहेगा, ऐसी चीजों पर नहीं रहेगा जिससे समाज। तो हमने साबित किया ना इस चीज को। देखिए मेरा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का 2003 में, मतलब मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि नेताओं को अपने मुंह से अपनी बड़ाई करनी पड़ती, क्योंकि हम आप लोग हमारी अच्छी बातें बताते नहीं हो ना ज्यादा। मेरे को सबसे पहले जब मैं मध्य प्रदेश में पहुंची तो एक इंटरव्यू हुआ था किसी अंग्रेजी अखबार में, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका एजेंडा क्या यही रहेगा हिंदुत्व। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो विकास होगा हमारा एजेंडा, डेवलपमेंट चाहिए मध्य प्रदेश को। फिर मुझे दिग्विजय सिंह जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे, उनको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने मुझे ओपन चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि उमा भारती मुझसे भोजशाला पर डिबेट करे। तो मैं समझ गई कि अभी आदमी सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म में फंसा रहा है स्टेट को। तो मैंने तुरंत कहा कि नहीं, अपन बाद में डिबेट करेंगे, पहले चुनाव तक अपन सड़क बिजली और पानी के हिसाब के बारे में बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हम विकास की बात करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता में फंसाने की कोशिश करते हैं देश को। उनके मुंह से यही निकलता है। आप राहुल गांधी का भाषण सुनिए, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो विकास में हमसे पिछड़ गई हैं, विकास में हम ही अग्रणी हैं। बिहार है तो हम हैं, पंजाब है तो हम हैं, मध्य प्रदेश है तो हम हैं, छत्तीसगढ़ है तो हम हैं। तो इसलिए जहां विकास हो रहा है, गोवा है तो हम हैं, मतलब विकास की अग्रिम पंक्ति। तो अगर विकास ही है तो ये आप ही के सहयोगियों को बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार तो इतने सालों से आप ही के सहयोगी हैं। आप अगर कह रही कि जनता को बात समझ में आ गई, आप ही के सहयोगी को नहीं समझ आ रही? नीतीश कुमार जी तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं बिहार में रही हूँ, मुझे तो खुद नहीं समझ में आता है कि मैं जब बिहार में गई, अरुण जेटली बीमार हो गए थे तो मैं सह प्रभारी थी, तो एक प्रकार से पूरा बिहार मेरे ही कंधों पे आ गया था कि अरुण जेटली तो यहाँ एस्कॉर्ट्स में थे और मैं तो उनकी पत्नी को आश्वासन दे के गई थी कि मैं ही काम कर लूंगी, अरुण को खाली हम बिठाएंगे, उनको रहना चाहिए हमारे साथ में, काम में संभाल लूंगी। और मैं एक साल बिल्कुल सड़क पर ही घूमती रही वहां पर, और वहां पर एक प्रकार से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरे ही मुंह से सबसे पहली बार निकला कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि नीतीश जी को वो नाम मालूम है, उन्हीं की पार्टी के नेताओं के फोन आए कि उमा भारती ने हमसे कंसल्ट किए बिना कैसे कर दिया, यानी उनकी पार्टी के लोगों को आपत्ति थी कि वो मुख्यमंत्री हो या ना हो, इस पे पेशोपेश थी, हमारी तरफ से नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा थी, उनकी सीटें कम थी, 96 से ये क्रम चला है और हमने नीतीश को हमेशा आगे बढ़ाया है, हमेशा उनका साथ दिया, उनके साथ बैठे, वो कैबिनेट में मेरे साथ बैठे, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर थी, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थी। इसलिए ये तो थोड़ा सा स्टडी का विषय है कि अचानक उनको क्या हो गया। खैर मैं पटना जाऊंगी, उनके साथ बैठ के भोजन करूंगी और चीजों को समझने की कोशिश करूंगी कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई है, राम और रोटी एक साथ चल सकते हैं। आपको लगता है कि वो धोखा कर रहे हैं, दगा कर रहे हैं? अगर वो किसी एक नेता के नाम पर नाता तोड़ देते, इतने दशकों का रिश्ता हो गया, अगर किसी एक नेता के नाम पे वो रिश्ता तोड़ देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि धोखा होगा पार्टी के साथ? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है क्योंकि राजनाथ जी जिस प्रकार से सब चीजों का समन्वय बिठा दिए हैं, तो मुझे यकीन है कि हमारे और नीतीश के बीच में कभी कोई टकराव नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे बिहार में कोई टकराव नहीं हो सकता, कार्यकर्ताओं में नहीं हो सकता, शरद यादव खुद बहुत कोऑर्डिनेशन बना करके चलते हैं, मुझे कोई टकराव की स्थिति नहीं लगती। टकराव नहीं तो डाइवोर्स की दिशा में, डाइवोर्स होने वाला है दीदी, डाइवोर्स की दिशा में दोनों पार्टियां बढ़ चुकी हैं। मुझे एक बात जरूर लगती है कि अब जो देश है ना वो तिलक और टोपी के सिंबल से नहीं चलेगा,
अब जो है ना इस जो ये जो सिंबलिज्म है ना कि तिलक हो कि टोपी हो कि तलवार हो कि तराजू हो कि क्या हो, अब देश चलेगा सड़क से, बिजली से, पानी से, हकीकतों ये से। आप कह रही ये हकीकतों का जमाना आ गया। हाँ, मैं ये कह रही हूँ। राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि सिंबल नहीं है, एक हकीकत है। नहीं लेकिन अब सिंबल से हम वोट लेने की कोशिश ना करें। हम लोगों को सिंबल गले में हरा दुपट्टा डाल लिया, इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे, उनके 12 वफात के उसमें डिनर में चले गए तो उससे मुसलमान खुश हो जाएंगे, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मुसलमान को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनके बच्चों को हाईटेक एजुकेशन चाहिए, ये चीज़ों की, इन चीज़ों की मुसलमानों को जरूरत है। ये सिंबल से मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करना, ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। कि सिंबलिज्म की राजनीति खत्म हो गई, खत्म हो गई, मतलब कि हिंदुत्व के आगे देखकर सिर्फ और सिर्फ विकास पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। हिंदुत्व का अंग है विकास, भ्रष्टाचार के विरोध में है हिंदुत्व। मतलब ये जो रिलीजियस, उसको हम राम राज्य के, हाँ, रिलीजियस सिंबलिज्म जो ये जो रहा है ना, कि आपने देखा हो कि मुसलमानों के कार्यक्रमों में बहुत नेता भयंकर भागीदारी करते हैं, हरी पगड़ियां बांध करके उनके साथ बैठ जाएंगे, जबकि उन नेताओं के राज्यों में आप मुसलमानों की बस्ती में जाके देखिए इतनी बुरी हालत है, और हमारे राज्यों में आप आकर के देखिए। आई डोंट बिलीव इन सिंबलिज्म। मैंने कभी भी अपने गले में हरा दुपट्टा नहीं डालने दिया, लेकिन जितने दिन में मुख्यमंत्री रही, जितने दिन में सांसद रही मध्य प्रदेश में भोपाल में, जितने दिन में मंत्री रही, मैंने मुसलमानों की बस्तियों का, उनकी एजुकेशन का, उनकी उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। इसलिए मुझे, मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी भी सिंबलिज्म से बाहर आए। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि देश चलाने के लिए कभी कभी तिलक भी लगाना पड़ता है और टोपी भी पहननी पड़ती है। ठीक है ना, तो हम तो उनकी बात से सहमत है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो इसलिए तिलक भी लगाना पड़ता है लेकिन टोपी भी पहननी पड़ती है, और जो मोदी जी पहनने को तैयार नहीं रहते कभी, जब भी उनको टोपी पहनाई जाती है वो तो टोपी से एकदम भाग जाते हैं। आप, ये आपने कहा ना कि सबको अगर साथ लेके चलना है, बिल्कुल ठीक किया मोदी ने, क्योंकि हमें सिंबलिज्म से मुसलमानों को, उनको टोपी दिखा दिखा करके ही तो नेताओं ने मूर्ख बनाया मुसलमानों को। नहीं, पर टोपी ना पहनने में भी एक सिंबलिज्म है। ना ना, वो कोई बात नहीं, वो एक बड़ी छोटी सी बात थी, मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी सी। मैं उस दिन मौजूद थी जिस दिन अटल जी कह रहे थे, मैं अटल जी के साथ ही गई थी ना गुजरात, तो प्रेस ने पूछ दिया, अटल जी बहुत स्पॉन्टेनियस स्पीकर हैं, तो उनके मुंह से निकल गया कि किसी ने पूछ दिया मोदी को क्या करना चाहिए, तो उनने कह दिया कि राजधर्म निभाना चाहिए। तो मुझे पता था कि उस कहने के पीछे कोई क्रिटिसिज्म नहीं थी किसी भी चीज़ की, कोई नसीहत नहीं थी, जस्ट केम आउट, और वो आज तक चल रहा है। तो इसी तरह से ये टोपी और ये तिलक इन सबसे बाहर नहीं, क्योंकि टोपी ना पहनने पे समुदाय को ये लगता है कि संभवतः ये नेता हमारे साथ नहीं, नहीं तो ये गलत बात है, उनको इससे बाहर निकलना चाहिए। जो केसरिया दुपट्टा डाले हुए है वो मुसलमानों का विरोधी, और जो हरा डाले है वो मुसलमानों का साथी है, सबसे बाहर निकल जाना चाहिए। सबसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अभी जरूरी ये है कि हम ये देखें कि उन्होंने हमारे बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया, हमारी महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए इंतजाम क्या किया, अस्पतालों में दवाइयाँ मिली कि नहीं मिली, और रोड उनके मोहल्लों में बने कि नहीं बने, ये ज़्यादा देखना चाहिए। आप आइए ना उत्तर प्रदेश में, आप देखिए ना मुसलमानों की कितनी बुरी हालत है। मुलायम सिंह से बड़ा मुसलमानों का क्या बोलते हैं वो, कौन बन सकता है जो मुसलमानों को, जो होता है ना मसीहा दोस्त। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कितनी सबसे खराब हालत आज हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश। तो आप ये बता रही हैं कि आपके हिसाब से अगर आगे चल के बीजेपी की सरकार बनती है तो अयोध्या में मंदिर बनाना ये सब फोकस नहीं होगा, राम फोकस नहीं होगा, रोटी फोकस। ये तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा राम रोटी दोनों होंगे, मैंने यही कहा, यही तो मैं आपको बोली ना, मीडिया को एक प्रॉब्लम है कि आप ना वो हम अपने मुंह से बोल देते हैं जो आप सोच रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, इसीलिए मैंने स्पष्टीकरण चाहा। ना ना, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बोल रही हूँ आपके सामने कि राम और रोटी दोनों साथ लेके चलेंगे, मंडल और कमंडल दोनों साथ लेके चलेंगे, तब देश चलेगा। चलिए, आपने बहुत अहम बातें की, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए उमा भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/seedhibaat। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।